अब जान लेते हैं टीपीएम के 8 पिलर के बारे में। जैसे कि अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होती है छत, एक होती है बेस या फाउंडेशन। जो टीपीएम का हाउस है या टीपीएम का घर है उसकी जो बेस है या फाउंडेशन है वो है 5S। 5S की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि 5S होता क्या है। वैसे एक ब्रीफ में बता देता हूँ, 5S एक ऐसा कार्यस्थल प्रबंधन का तरीका है जिसमें कि जो भी वेस्टेज है उनको रिड्यूस किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से सामानों को रखा जाता है और एक्सीडेंट कम से कम हो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अब जो टीपीएम का हाउस है उसकी छत और बेस को जोड़ के क्या रखेंगे, उसकी दीवारें या पिलर। तो टीपीएम के अंदर होते हैं टोटल 8 पिलर। पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशु हुजेन। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब है अगर मैं मशीन चला रहा हूँ तो मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं ही उसका मालिक हूँ, मैं ही उसको मेंटेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन चला रहा हूं तो उसको मेंटेन करने के लिए पड़ोसी आएगा या मेंटेनेंस वाला आएगा। डेली जब मैं मशीन ऑन करूंगा तो उसकी क्लीनिंग की, उसकी लुब्रिकेशन की, उसके इंस्पेक्शन की, उसमें कोई चीज लूज तो नहीं है, उसको टाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे पहले जब मैं मशीन शुरू करी मैंने आके सब कुछ चेक किया, ढंग से साफ सफाई करी, उसके बाद ही मैं मशीन को शुरू करूंगा। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस कि मैंने खुद ही अपनी मशीन मेंटेन करनी है। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है या बाइक होती है या साइकिल होती है, जो हम सुबह में निकलते हैं तो उस पर बढ़िया से कपड़ा मारते हैं, अंदर से साफ करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें ना ये भी पता चल जाता है कि मशीन के अंदर कोई खराबी तो नहीं है या मेरी बाइक या गाड़ी के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है या सबसे मेन पिलर है वो टीपीएम हाउस का, वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशु हुजेन। दूसरा पिलर होता है फोकस इंप्रूवमेंट, या इसको हम इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट ही बोलते हैं, जापानी में उसको बोलते हैं कोबत्सु काइजन। इसमें क्या करना है, इसमें हम करते हैं कि हम अपने अपने एरिया में जो हमें गैप्स दिखते हैं, जो एरिया फॉर इंप्रूवमेंट दिखते हैं, जो कमियां दिखती हैं, जिससे कि कॉस्ट कम हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि रिजेक्शन कम हो, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और उनको इंप्लीमेंट करना है, उनपे काइजन करना है, उनपे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये होता है फोकस इंप्रूवमेंट, दूसरा पिलर। इसके बाद आता है तीसरा पिलर, तीसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं या जितनी भी हमारी मशीनें हैं उनकी हम मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो चाहे प्रिडक्टिव मेंटेनेंस हो। उसके अंदर हम प्लान कर लेते हैं कि ये मेरी चीज 6000 घंटे चलने के बाद खराब हो जाएगी तो मैं उसको 5500 घंटे पे पहले ही बदल दूंगा, मैंने उसकी प्लानिंग कर ली। इसी तरीके से जैसे हम गाड़ियां जब हम अपनी चलाते हैं तो हमें शेड्यूल मिलता है कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद हमें उसको मेंटेन कराना है या उसको रिपेयर कराना है या उसकी सर्विस करानी है। ऐसे ही मशीनों के भी प्लान बनते हैं, वीकली प्लान, मंथली प्लान, हाफ ईयरली प्लान और ईयरली प्लान। तो मशीनों में कुछ काम होंगे जो हमें वीकली करने हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें मंथली करने हैं, कुछ काम होंगे जो हमने 6 महीने में करने हैं, जो कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें साल में करने हैं। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, प्लांट मेंटेनेंस के अंदर। इसके बाद अगला प्लेयर आ जाता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या बोलता है कि हमें जो मटेरियल है पहली बार में ही ओके बनाना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम राइट बनाना है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले हमने मटेरियल बना लिया और फिर हम उसको छाट रहे हैं, फिर जो ओके माल है उसको हम कस्टमर को भेज रहे हैं। कस्टमर को ओके क्यों भेजना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जीरो कंप्लेंट रहे। तो जीरो कंप्लेंट कब होगी, जब हम माल ओके बनाएंगे। तो क्वालिटी मेंटेनेंस क्या बोलता है कि हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करने हैं या हमने अपनी मशीन को ऐसे मेंटेन करना है, उसको ऐसे सर्विस करनी है या उसकी ऐसे मेंटेनेंस करनी है कि वो जीरो डिफेक्ट का मटेरियल प्रोड्यूस करे, फर्स्ट टाइम राइट में ही मटेरियल निकाले, पहली बार में ही ओके निकाल दे। इसके बाद आता है अगला पिलर अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसको हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट ये एक ऐसा पिलर है जिसके अंदर हम प्री प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कोई मशीन लेने वाले हैं तो हम उसकी पहले ही प्लानिंग कर लेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, ताकि जब हम डे वन पे उसको लॉन्च करें या डे वन पे पहली हम मशीन इंस्टॉल करें तो हम उससे पूरी आउटपुट ले पाएं, कम समय में हम सारी चीज़ें ठीक से चला पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मशीन लगा ली, मशीन लगाने के बाद उसमें फिर दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो पिलर है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट इसी को लेके काम करता है कि हम प्री प्लानिंग कर लें किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगला पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर के अंदर हम क्या टारगेट करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि हमारे जितने भी इम्प्लॉयज हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हों या बॉटम लेवल पे हों,
हमने टारगेट ये करना है कि उनकी फुल ट्रेनिंग हो, जो जो वो काम कर रहे हैं उसको लेके फुली ट्रेन हो। जैसे अगर मैं मशीन चला रहा हूँ तो मुझे पूरी मशीन की नॉलेज हो कि मैं उसको चला भी सकूँ, उसको मेंटेन भी कर सकूँ। अगर कुछ और मेंटेनेंस वाले जैसे काम कर रहे हैं तो मेंटेनेंस वालों को भी प्रॉपर नॉलेज हो कि वो मेंटेन कर सकें उसको। तो ये क्या आ जाता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि हमने टारगेट करना है कि हमारी कंपनी के अंदर हर तरीके के एक्सपर्ट्स डेवलप हो जाएं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके के इश्यू आने में। इसके बाद आता है अगला पिलर, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। इसको हम SHE या शी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको HES भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें जीरो एक्सीडेंट हो। जीरो एक्सीडेंट कैसे होंगे, हमने अपने प्लांट के अंदर जितने भी नियर मिस हैं, ऐसी कोई चीज जो एक्सीडेंट में बदल सकती है उसे हम नियर मिस बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, जितने भी नियर मिस हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे हमारे वर्किंग एरिया में हैं या मशीन के पास हैं या मशीन के अंदर हैं। जब उनको नियर मिस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो TPM क्या टारगेट करता है, जीरो एक्सीडेंट का। तो जीरो एक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेगा, TPM के 7th पिलर को इम्प्लीमेंट करने से। इसके बाद जो सबसे आखिरी पिलर है वो है ऑफिस TPM। कुछ लोग ऑफिस TPM का मतलब समझते हैं कि हमने TPM एक्टिविटी ऑफिस में करनी है, ऐसा नहीं है। ऑफिस TPM का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको मदद करनी है ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने में। जो ये 7 पिलर हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मदद करेगा सारे दूसरे स्टाफ की, जो टेक्निकल स्टाफ है। वो कैसे करेगा, वो मदद ऐसे करेगा कि जैसे हमने कुछ काम करना है, हमने ऑटोनोमस मेंटेनेंस ही करनी है, तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के लिए हमने क्लिट शीट बना दी, चेक शीट बना दी कि भाई मैंने ये 10 काम करने हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें हमारी मदद करेगा। हमें कोई SOP बनाना है, कोई प्रोसीजर बनाना है, या कुछ भी मतलब हमें मेंटेन करना है, जो स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, तो एक तरीके से इन जो 7 पिलर है या 8 पिलर को बांधने का काम जो करता है वो करता है हमारा ऑफिस TPM का पिलर, जो सबसे आखिरी पिलर है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंत में बताता हूँ कि हमारी एक और सर्विस है जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी कंसल्टेंसी भी देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं प्लांट के अंदर। तो अगर किसी को TPM की एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करानी है अपने प्लांट के अंदर, तो आप नीचे हुए दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।